ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने विजयगढ़ की कुल देवी भाग एक में जाना कि किस प्रकार से एक बूढ़ी स्त्री के माध्यम से वहां का तालाब एक बार फिर से पानी से भर जाता है। चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं आगे इस कथा में क्या घटित हुआ था। प्रणाम, जय हो माता आदि पराशक्ति। नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं गुरुजी। मैं रोहन राजपूत आज विजयगढ़ की कुल देवी का किला त्याग और राज्य का सर्वनाश कैसे हुआ उसके बारे में आगे बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पत्र में आप लोगों ने जाना था कि किस प्रकार बूढ़ी माई की वजह से राजा के तालाब में पानी भर गया। बूढ़ी माई की जय जयकार होती सुनकर राजा की महारानी को अत्यंत ही क्रोध और अपमान महसूस हुआ था। उसने इस बात का बदला लेने के लिए एक कुटिल योजना को जन्म दिया। वह अपने षड्यंत्र को रचने लग गई। अपने मस्तक को अंजाम देने के लिए उसने सोच लिया था कि उसको क्या करना है, किस प्रकार करना है, जिसकी वजह से बुढ़िया माई को वह सबक सिखा सके। उधर प्रजा बुढ़िया माई की जय जयकार करने लगी थी। राजा ने बुढ़िया माई से कहा था कि आप रोज हमारे तालाब में पानी डाल दिया करें। बुढ़िया माई यह बात मान भी ली थी। लगातार बुढ़िया माई ने सातों पोखरों में पानी डालकर उनको भर दिया था। एक दिन राजा धर्मदेव दाता को यह खबर मिली कि रानी की तबीयत अत्यंत ही गंभीर है। यह बात सुनकर राजा अपने रानी को देखने के लिए कमरे की ओर बढ़ चला। वहां जाकर उसने देखा कि रानी अपने मुंह से उल्टियां कर रही है खून की। रानी बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति में है और उसकी तबीयत अत्यंत ही नाजुक है। राजा जाकर रानी के पास बैठा और उसने रानी से पूछा कि आपको क्या हुआ है। रानी ने रोते हुए कहा, यह मेरा अंतिम समय है, आप मेरे पास कुछ समय व्यतीत करें, उसके बाद मेरे प्राण उड़ जाएंगे। रानी की बात को सुनकर राजा को बहुत ही अधिक चिंता हुई। उसने पूछा, आपको क्या हुआ है? तब रानी ने कहा, मुझे एक अत्यंत ही गंभीर बीमारी ने पकड़ रखा है, मेरा ठीक होना संभव नहीं है। राजा धर्मदेव दाता ने पूछा कि हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज तो जरूर होता है, मगर आपको कोई रोग हुआ है तो इसका उपचार भी अवश्य ही होगा, कृपया करके हमें उस उपचार के बारे में बताइए। रानी ने कहा कि आप मुझे नहीं बचा सकते, क्योंकि यह उपचार बहुत ही कठिन है और यह औषधि कभी भी कहीं भी कोई नहीं ला सकता है। रानी की बात सुनकर राजा को ने कहा, हम एक महाराज हैं, हमारे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, आप हमें बताइए कि आपकी बीमारी का इलाज क्या है। रानी ने बहुत ही चतुराई पूर्वक बात को घुमाते हुए राजा से कहा, महाराज, हमारे राज्य में मेरी माँ को भी यह रोग हुआ था, उनका बचना नामुमकिन था। पिता ने पूछा, तो फिर आपकी माता का उपचार कैसे हुआ? महारानी ने अपनी बात को और भी गंभीरता से रोते हुए कहा, महाराज, मेरे पिताजी को हमारे राज्य के विद्वान ज्योतिषी और वैद्य जी ने कहा था कि अगर किसी पतिव्रता नारी की पुत्र का कलेजा लाकर रोगी के सीने पर रख दिया जाए तो वह तुरंत ही ठीक हो जाएगी। तब मेरे पिता ने एक पतिव्रता नारी के बेटे का कलेजा लाकर मेरी माँ के सीने पर रखा था, जिससे कि मेरी माँ ठीक हो गई थी। राजा रानी की बात सुनकर बोला, रानी, मेरी बात कान खोलकर सुनो, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे राज में कोई पतिव्रता औरत है ही नहीं और ना ही तुम पतिव्रता हो, और मैं नहीं मानता कि तुम्हारे राज में भी कोई पतिव्रता औरत होगी। रानी ने बहुत ही चालाकी पूर्वक रोते हुए, महाराज, मेरे बचने का केवल एक यही उपाय है, यह तो आप मेरी रक्षा करिए अथवा मुझे मरने दें। रानी ने अपनी बातों से राजा को पूरी तरह फंसा दिया था। जब काल की गति मनुष्य पर पड़ती है तो दुर्भाग्य का उदय होता है। तब मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति विवेकविहीन हो जाना, यह सारी शुरुआत होती है। राज्य के सर्वनाश की शुरुआत यहीं से होती है। रानी की बात को मानकर राजा अपने महल में निकल पड़ा। महल से बाहर आकर अपने सैनिकों को आदेश देते हुए बोला कि जाओ और जाकर अनदेही बुढ़िया माई के बेटे मुरली को पकड़कर पहाड़ी पर ले जाओ।
राजा की बात सुनकर सैनिक घबरा गए और मन में सोचने लगे कि महाराज बुढ़िया माई के बेटे को क्यों बुला रहे। पर इतना हिम्मत सैनिकों में नहीं थी कि राजा से कोई प्रश्न करें, इसलिए न चाहते हुए सैनिकों को राजा की आज्ञा माननी पड़ी और वह खेलते हुए मुरलीली को पकड़कर अपने साथ पहाड़ी पर लेकर पहुंच गए। वहां पर राजा धर्मदेव दत्ता पहले से ही अपनी नंगी तलवार लेकर खड़े हुए थे। तलवार को देखकर मुरली बहुत ही अधिक डर गया और रोने लगा। राजा ने कहा, इसको मेरे पास पकड़ कर लाओ और कहा कि इसके दोनों हाथ पकड़ लो, मैं इसका सीना फाड़ कर इसका दिल निकाल लूंगा और फिर ले जाकर अपनी रानी के सीने पर रखूंगा, जिससे मेरी रानी ठीक हो जाएगी। मुरली बहुत तेज रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ आपसे, पर राजा का दिल नहीं पसीजा। उसने अपनी तलवार खींच ली और जैसे ही उसने मुरली के ऊपर अपनी तलवार चलानी चाही, वहाँ पर मीरान साहब बाबा आ गए और राजा से बोले, ऐसा पाप मत करो राजा, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। एक गाय की भूल की हत्या की वजह से तुम्हारा पूरा राज्य सूख गया था और जिस बूढ़ी माई की वजह से तुम्हारे राज्य में पानी आया है, अगर तू उसी के बेटे के खून से अपने हाथ रंग लेगा तो सोच क्या होगा तेरा, तेरी प्रजा और तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मीरान बाबा की बात सुनकर राजा ने बहुत ही गुस्से में आकर कहा, भाग यहाँ से बुढ़े, नहीं तो तेरा भी सर काट दूंगा। और राजा ने बाबा को गालियाँ दी, धमकी दी, उनको भगाने की कोशिश की, मगर मीरान साहब बाबा मुरली को छोड़कर नहीं गए। बाबा मुरली के आगे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं एक फकीर हूँ, मेरी बात मान चल जा। इस समय राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने देखा कि जब बाबा नहीं जा रहे तो उसने अपनी तलवार खींचकर बाबा की गर्दन पर चला दी और उनकी गर्दन कटकर गिर गई। इस पर भी राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ, मुरली वहीं रो रहा था। राजा ने फिर एक बार तलवार चलाई और मुरली का गला काट दिया, उसका सीना फाड़कर उसका दिल निकालकर राजा चल दिया अपनी रानी के महल की ओर। रानी के कमरे में जाकर राजा ने वह दिल उठाकर रानी के सीने पर रख दिया। रानी बहुत ही खुश हो गई और उसने सोचा कि अब उस बुढ़िया को अच्छा सबक मिल गया होगा। इधर वह बुढ़िया माई अपने बेटे मुरली को चारों तरफ खोज रही थी। हर जगह उसने लोगों से पूछा कि मेरे बेटे को देखा है कहीं, तो कोई और नहीं बता पाता। आखिरकार बुढ़िया माई रोती हुई अपने घर आ गई और चुपचाप बैठकर रोने लगी। जब आधी रात का समय हुआ और सारे नगर के लोग सो गए, तब दुर्ग वाली देवी माँ कष्ट और दुख से व्याकुल होकर अपनी किले को त्याग कर दिया और जाकर उस भीलनी बुढ़िया यानी उनके घर गए पहुंची और बोली, माई तू चिंता मत कर, मैं तेरे बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। तब बुढ़िया माई पूछती कि कौन हो बहन, मैं तुम्हें नहीं जानती, कहाँ से आई हो। वह उसने ये सवाल पूछा कि क्या तुमने मेरे बेटे मुरली को देखा है। इस पर दुर्ग वाली देवी बोलती हैं, माई तुम्हारे बेटे मुरली को इस दुष्ट अधर्मी राजा धर्मदेव दाता ने मार डाला है। इतनी बात सुनते ही बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी, बहुत रोई। दुर्ग वाली देवी ने पूछा, मेरे मुरली की क्या गलती थी। देवी माता ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, माई तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे मुरली की मौत का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी, परंतु माई आप रोइए मत। दुर्ग वाली देवी कहती हैं कि मैंने उस राजा के किले का त्याग कर दिया है, मैंने उसके कुल का भी त्याग कर दिया, अब मैं कभी जीवन में उसके किले में प्रवेश नहीं करूंगी, यह मेरी प्रतिज्ञा है, और मैं तुम्हारे घर में बेटी के रूप में जन्म लूंगी और उसका सर्वनाश कर लूंगी। बुढ़िया माई को आश्वासन देकर दुर्ग वाली देवी विजयगढ़ की कुल देवी माता ने अपने उस स्वरूप का त्याग दिया और एक नवजात पुत्री के रूप में उस बुढ़िया माई के आंचल में आ गई। बुढ़िया माई उनको अपनी गोदी में ले, जब सुबह हुई तो राजा को यह बात पता चली कि बुढ़िया माई आज पानी डालने नहीं आई है। तब उसने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया माई को बुलाया। बुढ़िया माई अपनी बच्ची को लेकर राजा के सामने उपस्थित हुई। राजा ने बहुत ही कठोर आवाज में बुढ़िया माई को डांटते हुए कहा कि आज तू पानी डालने क्यों नहीं गई। इस पर बुढ़िया माई ने रोते हुए कहा, बेटा मुरली नहीं मिल रहा है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक पानी नहीं डालूंगी। इस पर राजा ने बोला कि तेरी गोद में यह बिच्ची किसकी है। रानी ने राजा के कान भरते हुए कहा, यह तो विधवा है, इसके पास से बच्चा कहाँ से आया। राजा भी रानी की बात सुनकर बोला कि यह तेरा पाप है, अवश्य तेरा ही किसी पुरुष के साथ नाजायज संबंध है। इस पर बुढ़िया माई ने रोते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है महाराज, यह तो साक्षात माता है। पर राजा ने बुढ़िया माई की बात नहीं सुनी, उनको बहुत ही बड़ा और बुरा वो बोल रहा था और यह कहा कि
तुम्हारी मैं गर्दन उड़ा दूंगा अगर तुमने सच नहीं बताया तो। रानी ने इस बात का फायदा उठाते हुए राजा को और भड़काया और कहा कि ऐसी चरित्रहीन औरत को विजयगढ़ से निकलवा दीजिए। रानी की बातों में आकर राजा ने धक्के मारकर बुढ़िया माई को निकाल दिया। अपनी राज्य विजयगढ़ से बुढ़िया माई विजयगढ़ की सीमा से बाहर गई। उस समय गर्मियों का मौसम था। कड़कड़ाती हुई धूप में अपनी नवजात बच्चे को हृदय से लगाए हुए राज्य से बाहर निकल आई। एक घने जंगल में पहुंची। चलते चलते जंगल में बैजू बाबा की तपस्थली पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि आगे कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ सिर्फ बड़े बड़े पत्थर चट्टाने हैं और एक बड़ा सा पेड़ है वहीं पर। उस पेड़ के नीचे बुढ़िया माई बैठ गई और जब हवा लगी तो बुढ़िया माई को नींद आ गई और वह सो गई। विधि का विधान कहिए या संजोग, बुढ़िया माई जब एक बार वहां लेटी तब वह दोबारा कभी नहीं उठी। उनके पेट पर माता जगदम्बा अपनी बाल लीला कर रही थी और उस बुढ़िया माई को मरे हुए 4 दिन हो गए थे। वह नवजात बच्चा उस लाश के ऊपर बैठा खेल रहा था। इस प्रकार वहां 4 दिन बीत गए और वह बुढ़िया माई अंधेही की मृत्यु हुई थी। वह अहरोरा की सीमा पर जंगल था। उस समय वहां के राजा कर्णपाल हुआ करते थे। वह दयालु और एक न्यायप्रिय राजा थे। जब 4 दिन बीत गए, माता की महिमा कहिए या चमत्कार, माजा उस जगह महाराजा कर्णपाल उसी रास्ते से होते हुए शिकार खेलने के लिए आया और उसी जंगल में उन्हें एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अपने सैनिकों से पूछा, क्या तुम्हें भी बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही है? राजा ने कहा, चलो जिधर से आवाज़ आ रही उस दिशा की ओर चलते हैं और चलकर देखते हैं कि इस खतरनाक जंगल में कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। जब राजा ने जाकर देखा तो एक बड़े सा पेड़ के नीचे एक लाश और उस लाश के ऊपर एक छोटी सी सुंदर बच्ची खेल रही थी। राजा ने यह देखा और उसका दिल दहल गया। राजा ने सोचा, कितनी छोटी फूल सी बच्ची मरी हुई लाश के ऊपर बैठी। यह सब कुछ देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने सोचा वह इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर लेगा और ऐसे सोचकर उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उस बुढ़िया माई की लाश को पूरे सम्मान के साथ विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। आदेश देकर राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे और राजा कर्णपाल नीचे उतरकर उस कन्या को अपनी गोद में बैठा लिया और घोड़े में बैठा कर वह अपनी राजधानी में वापस चले आए। वहां पर वो अपने महल में गए और कन्या को उन्होंने दूध गंगा जल आदि सुगंधी चीजों का स्नान करवाया। उसके बाद उन्होंने अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों ज्योतिषों की सभा बुलाई और उनका आदर सत्कार किया। इसके बाद राजा ने अपनी उस कन्या को लाकर ज्योतिषी के समक्ष प्रस्तुत किया। उनसे विनती की कि आप हमारी इस कन्या का भविष्य और कुंडली बनाएं, इसके लक्षण बताएं, किस प्रकार की कन्या और इसका गोत्र जाति वगैरह सब विस्तार से बताएं। इसके बाद ज्योतिषी ने जब कन्या को देखा तो वह बस देखते ही रह गए और वह अत्यंत ही सुंदर बालिका थी जिसको देखकर बस मन करता था कि देखते ही रह जाए। वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी। आज के चेहरे पर बहुत ही अधिक कन्या का उस पर तेज नजर आता था जिससे कि चेहरे से नज़र हटाना मुश्किल हो जाता था। राजा के अनुरोध पर ज्योतिषी और विद्वान ब्राह्मणों ने उन कन्या के विषय में जब अपने ज्ञान के अनुसार पता लगाने की कोशिश की तो जो हुआ सोचकर होश ही उड़ गए, उनका सर चकराने लग गया। राजा का मुंह देखने लगे, उनसे पूछे कि आपने इस कन्या को कहाँ से प्राप्त किया, पर कन्या ने राजा ने उनको सारी बात बता दी। कन्या मुझे जंगल से प्राप्त हुई थी और मरी हुई स्त्री की लाश के ऊपर बैठी हुई थी। मुझे नहीं पता यह कहाँ से आया और कहाँ से आई है। इस पर ज्योतिषी ने कहा, जो सारे जगत की माता है उनको आप अपनी बेटी कैसे बना सकते हैं? ज्योतिषी की बात सुनकर राजा अपना मुंह देखने लगा और पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, मैं आपको बातों का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, कृपया मेरी इस समस्या का समाधान करें। इस पर ज्योतिषी और ब्राह्मणों ने कहा, स्वयं माता जगत जननी इन्होंने किसी उद्देश्य से मानव शरीर धारण किया है, आप इन्हें अपनी बेटी बनाना चाहते हैं, ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता है। इस पर राजा ने कन्या का हाथ जोड़कर विनती और क्षमा मांगी, माता मेरे इस अपराध को क्षमा करें, मैं आपको अपनी बेटी बनाने के लिए लाया था परंतु अब मैं आपको अपनी बहन के रूप में हमेशा अपने साथ रखूंगा और आपका यथा उचित सत्कार करूंगा। इसके बाद राजा ने ब्राह्मणों को और ज्योतिषों को उचित दान दिया, उनको आशीर्वाद प्राप्त कर फिर विदा किया और बड़े ही प्यार और दुलार के साथ राजा कर्णपाल उस कन्या का कालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और कन्या भी सुंदर होती गई। उसको वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वहाँ की सुख सुविधा समृद्धि में इतनी खो गई कि वह भूल चुकी थी कि उसका जन्म यहाँ पर क्यों हुआ है। अब 16 वर्ष की अवस्था पहुँची तो उन्हीं के रूप में काफ़ी दूर एक घना और जंगल था। वहाँ एक
आदि माता का दुर्गा का एक मंदिर था। माता के असंख्य रूप स्वरूप तो होते हैं। एक समय जब वह कन्या अपने कक्ष में सो रही थी रात के समय, तब माँ दुर्गा वहाँ प्रकट हुई। अत्यंत क्रोधित थी। कारण यह था कि वह कन्या अपने मूल उद्देश्य को भूल चुकी थी। उसका जन्म क्यों हुआ, इस पर माता आदिशक्ति दुर्गा ने उसके कक्ष में प्रकट होकर उसके गाल पर एक चांटा मारा और वह कन्या बहुत ही क्रोधित हो गई। परंतु माता को देखकर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब आदि दुर्गा माता ने उन्हें याद दिलाया और बोली कि राज्य के सुख में और वैभव में तू इतनी अंधी हो गई और भूल गई हो कि आखिर तेरा जन्म क्यों हुआ है। तूने अपनी देवी स्वरूप को क्यों त्यागा था, क्यों मनुष्य योनि में जन्म लिया था, क्या तुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। कैसे तेरे भाई मुरली ने अपनी जान गंवाई, कैसे मीरान साहब की जान गई, और तो और तेरी बुढ़िया माई की जान तुझे पालते हुए किस प्रकार से समाप्त हुई थी। तेरी माँ के साथ किया गया सारा अन्याय और प्रतिशोध तुझे याद नहीं। जब इतना सुना तो दुर्ग वाली देवी ने तो उनकी आंखें लाल हो गई गुस्से की वजह से। उनका पूरा शरीर क्रोध से भर चुका था। उनके शरीर से ज्वाला जैसी ऊर्जा निकलने लगी। उन्होंने अपना विकराल स्वरूप धारण किया और उसी रात्रि को वह सिंह पर सवार होकर विजयगढ़ की ओर प्रस्थान करने लगी। आगे क्या हुआ हम लोग जानेंगे अगले भाग में। तो देखिए इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर कहा था के विषय में वर्णन किया है कि कैसे देवी क्रोधित होकर विजय की ओर गढ़ की ओर प्रस्थान कर गई हैं, और इसके बाद फिर आगे क्या घटित हुआ हम लोग जानेंगे अगले भाग में। तो अगर आपको ये जानकारी और कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।